सब जगह एक ही टॉपिक है, भू कानून भू कानून भू कानून। क्या करोगे तुम इस भू कानून का, करोगे क्या मुझे ये बताओ। तुम नल्ले बेरोजगार है, हम तो नहीं है ना भाई। तुम नल्ले बेरोजगार है, हम तो नहीं है ना भाई। तुम नल्ले बेरोजगार है, हम तो नहीं है ना भाई। क्या करोगे जमीन का, क्या करोगे भू कानून का, ये सवाल पूछने वाली ये लड़की और कोई नहीं बल्कि लोक कलाकार श्वेता महारा है। गढ़वाली कुमाऊनी एल्बम की एक्टर और डांसर श्वेता महारा ने भू कानून को लेकर एक विवादित बयान दिया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने उन रैलियों पर भी सवाल खड़ा किया जो भू कानून को लेकर पिछले काफी दिनों से उत्तराखंड के कई जिलों में हो रही है। भू कानून की इन रैलियों में शामिल होने वाले बड़े बड़े चेहरे हैं जो पिछले कई वर्षों से भू कानून के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में युवा एक्टर श्वेता महारा का ये बयान शायद किसी को रास नहीं आएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन सभी की भावनाओं को आहत करता है जो सालों से अपने संघर्ष के साथ भू कानून के लिए आवाज उठा रहे हैं। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर सुनिए श्वेता महारा का ये वायरल बयान। सब जगह एक ही टॉपिक है, भू कानून भू कानून भू कानून, उसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। भू कानून के ऊपर मैं अब आवाज नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे जितनी आवाज उठानी थी मैंने उठा दी है। जमीन का क्या करोगे, क्या करोगे तुम इस भू कानून का, करोगे क्या मुझे ये बताओ। यहाँ रैली कर दी, वहां रैली कर दी, कोई फायदा नहीं इन सब चीजों का। श्री राम जी के नाम से तुम लोग पेजेस बना के उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हो ना, सबकी सबकी वाट लगेगी, रुक जाओ। ये सारे उठपटांग कमेंट्स करने वाले सब वही हैं जो जितने बच्चे भी ये रैली में जा रहे हैं, ठीक है। इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है। तुम नल्ले बेरोजगार है, हम तो नहीं है ना भाई। दरअसल श्वेता महारा का एक वीडियो सामने आया जिसमे भू कानून को लेकर वो कुछ कह रही थी, और भू कानून के इस टॉपिक का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ और लोगों ने वायरल कर दिया। विवाद बढ़ा तो श्वेता ने वीडियो अपने इंस्टाग्राम से हटा लिया, पर वीडियो हटाने से पहले ही ये तो वायरल हो चुका था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। अब लोगों में उनके खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है, और अब जब ट्रोल किया जा रहा है तो श्वेता महारा इस पर रिएक्शन भी देती हैं। 30 से 35 कमेंट थे जिसमें वाहियात गालियां थी, और भू कानून की आड़ में सबने गालियां दी हैं कि आप हल्द्वानी दूसरे दिन शो कर रहे लेकिन आप रैली में नहीं आ रहे, क्योंकि जिस दिन रैली थी उस दिन मेरा काशीपुर में इवेंट था। और फिर उसके बाद एक महान व्यक्ति जिनकी वजह से ये सब हुआ है, वो है गणेश नाम से, इनका आता है कमेंट कि भू कानून के लिए भी दो शब्द बोल दो, मुजरा तो जब चाहो तब कर लो। मतलब सारी चीजें एक तरफ थी, लेकिन ये कमेंट ने ना मेरा वाकई में जो मेरी मानसिकता थी, मतलब मेरा दिमाग जो था वो वाकई में, देखिए हर कोई कलाकार ना काम करता है, काम करने के बाद लोगों से बहुत प्यार मिलता है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं जहां जाती हूँ बहुत भीड़ आती है, बहुत प्यार करते हैं लोग, लेकिन इंस्टाग्राम में छोटे छोटे बच्चों। श्वेता महारा ने कहा कि भू कानून की आड़ में कलाकारों को धमकी दी जा रही है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, वो उनके खिलाफ है। वो ना तो कभी भू कानून के खिलाफ थी और ना ही है। इसके साथ ही कहा कि वो जल्दी सबूतों के साथ सबके सामने आएंगी। लेकिन मैं बाकी इंडस्ट्री में काम कर रही थी। अमर उजाला का ये पोस्ट है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट बॉलीवुड तड़का इन्होंने कवर किया था। सारे आर्टिकल्स मेरे पास, जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपने स्टैंड नहीं लिया, ऐसा नहीं करा वैसा नहीं करा, कोई बात नहीं, मैं उसको सारा स्क्रीनशॉट डालूंगी, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि न्यूज तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए और उन लोगों को पता चलना चाहिए जो अभी मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो को कट और एडिट करके बनाया गया है, उन्होंने जो पूरी बात कही वो नहीं दिखाई गई। लेकिन सवाल ये उठता है, चाहे पूरी बात कुछ भी हो लेकिन भू कानून को लेकर श्वेता महारा ने क्या जो कुछ कहा वो सही था, क्या इससे भू कानून के लिए संघर्ष करने वाले लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछले काफी सालों से उत्तराखंड में भू कानून की मांग चली आ रही है, ये लड़ाई और संघर्ष काफी पुराना है। इसे लेकर अब बड़े बड़े चेहरे उत्तराखंड के कई जगहों पर रैलियां और प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अगर एक युवा कलाकार भी उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा तो इस मांग को सरकार तक कैसे पहुंचाया जाएगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब श्वेता महारा का विवाद से नाम जुड़ा हो। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर उनके कई बयान वायरल हुए हैं, लेकिन हर बार वो इस तरह की सफाई देती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब श्वेता महारा सबूतों के साथ सामने आएंगी, और जो बात उन्होंने कलाकारों को टारगेट करने को लेकर कही है वो कितनी सही है। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर हमें जरूर बताएं।